नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं अंकित कुमार साहू राजवीर और आपको विश करता हूं इस गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस गणतंत्र का मतलब हमारे होता है कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी और हमारे अपने विचार। दोस्तों, मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस मैं एक यही आभार व्यक्त करता हूँ नौजवानों का और उन देशवासियों का, तमाम उन देशवासियों का जो इस स्वतंत्रता में योगदान देते हैं और देते हैं और आज भी देते आ रहे हैं, जिन्होंने दिया भी था और आज भी हमारे नौजवान जो कार्य करते हैं देश के लिए वो सराहनीय होता है। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक अमेरिकन राइटर के बारे में, जिनका नाम है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। दोस्तों, वो भी एक आर्मी से जुड़े एक इंसान रहे और उन्होंने आर्मी में जो कार्य किए, एक बहुत साहस धैर्य के साथ जो उन्होंने कार्य किए, उन्हीं सारी चीज़ों को उन्होंने डिपिक्ट करने की दोस्तों कोशिश की है अपने वर्क्स में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उनका एक जो कैरियर, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में सफ़रिंग की और उन्होंने जो आर्मी में रियल सिचुएशंस को फेस किया वार के दौरान। एक्चुअली में दोस्तों, जो हम ग्लोरीफाइंग करते हैं कि वार बहुत अच्छी चीज़ होता है और वार में हम जीतते हैं, हम कभी कभार इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि ऐसे वार होना चाहिए, ऐसे होने से लोगों में विटैलिटी आती है, लेकिन सच्चाई ये होती है दोस्तों कि उन युद्ध भूमियों में जो लोग कराहते हैं, जो लोग दर्द को झेलते हैं, सिर्फ वही समझ सकते हैं। और अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने दर्द को झेला था दोस्तों। तो हम उनके बारे में शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे के बारे में दोस्तों। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो चाइल्डहुड था, तो चाइल्डहुड दोस्तों ये पैदा हुए थे 21 जुलाई 1899 में ओक पार्क इलिनोइस में, ये दोस्तों पैदा हुए थे। ये छह बच्चे थे इनके पेरेंट्स के, डॉक्टर क्लेरेंस एडमंड्स और हेमिंग्वे जो इनकी मदर थी वो थी ग्रेस हाल हेमिंग्वे और इनके फादर थे क्लेरेंस एडमंड्स हेमिंग्वे। दोस्तों, ये छह किड्स में से सेकेंड नंबर पर थे, यानी कि एक बड़ी फैमिली थी। जो पेरेंट्स थे यानी कि, तो इनके पेरेंट्स फादर यानी कि जो थे वो एक डॉक्टर थे और इनकी जो मदर थी ग्रेस हाल हेमिंग्वे वो एक म्यूजिशियन थी। तो जो ये म्यूजिक का लव इनके लिए रहा वो एक इनके नेचर में आ गया दोस्तों, क्योंकि जो हमारा परिवार होता है वो पहली हमारी पाठशाला होता है सीखने का, तो यही चीज़ इनके साथ रही दोस्तों। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे कष्ट झेले, जैसे कि एक तो आर्मी में जब ये थे तब आर्मी में इनको हाइट की वजह से और इनकी जो आई साइट थी दोस्तों, आई साइट की वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने काम किया एक्चुअली में रेड क्रॉस एम्बुलेंस के जो है एक बैच था उसमें इन्होंने ड्राइवर के रूप में दोस्तों काम किया, क्योंकि एक सैनिक होने के नाते इनको काफ़ी उसमें इंटरेस्ट था दोस्तों। अर्ली एडल्टहुड की जब हम बात करते हैं तो 17 की उम्र में उन्होंने कंसास सिटी स्टार के लिए लिखा था, एक ये न्यूज़पेपर था, इसके बारे में वो बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स वगैरह लिखते रहे दोस्तों। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि उन्होंने वॉलंटियर के रूप में एम्बुलेंस को ज्वाइन किया था इटालियन आर्मी के, मैंने बताया था ना रेड क्रॉस एम्बुलेंस को जो ज्वाइन किया था। और दोस्तों उसी दौरान 1918 में दोस्तों ये एक बार घायल हो गए, घायल होने के बाद ये एक हॉस्पिटलाइज्ड कर दिए गए। इनके घायल होने पर दोस्तों इनको अवार्ड दिया गया था इटालियन सिल्वर मेडल, दोस्तों ये जो आपका दिखा हुआ है स्क्रीन पर इटालियन सिल्वर मेडल से इनको नवाजा भी गया था दोस्तों। एज ए सोल्जर देखिए दोस्तों, उनके काफ़ी उनका जो जीवन रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा लेकिन इंजरियस भी रहा। जैसे आप देखते हैं कि जब वो घायल हो गए थे दोस्तों उस इटालियन वार में, एक्चुअली में वर्ल्ड वार के दौरान इटालियन आर्मी का पार्ट बनकर जब ये घायल हो गए तो इनकी कंडीशन काफ़ी वो थी, ये हॉस्पिटलाइज्ड थे दोस्तों। एक सैनिक के रूप में जो इनमें पैशन था, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया उस आर्मी में, उस चीज़ को इन्होंने महसूस करके अपने वर्क्स का पार्ट बनाया दोस्तों। फिर ये कुछ दिन के लिए दोस्तों पेरिस चले गए, वहाँ पर मेंबर बन गए एक्सपेक्ट्रियट अमेरिकन इन पेरिस जो है ये वहाँ पर, और बाद में दोस्तों इनको लॉस्ट जनरेशन का मेंबर भी बना दिया। गर्ट्रूड स्टेन ने कहा कि ये लॉस्ट जनरेशन के एक मेंबर के रूप में है दोस्तों। जो और इनके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं जो पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्हीं पर दोस्तों चर्चा करूंगा। ये एक तो सबसे ज़्यादा मेहमान नवाजी में बहुत भरोसा रखते थे, क्योंकि इनका जो लिटरेचर में इंटरेस्ट था दोस्तों हेमिंग्वे का, वो लिटरेचर का इंटरेस्ट ही इनको मेहमान नवाजी के लिए आगे कर देता था दोस्तों। क्योंकि ये जो भी मेहमान आते थे उनके साथ मिल करके लिटरेचर के बारे में बहुत सारी ये चर्चाएँ करते थे दोस्तों। मैरिजेस की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो वो 3 बार डाइवोर्स्ड हुए, उनकी 3 वाइफ से डाइवोर्स्ड हुई। ऐसा कहा जाता है कि वो
बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा उनका स्वभाव था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी तीन जो वाइफ्स थीं वो छोड़ गई थी उन्हें। पहली जो शादी हुई एलिजाबेथ हैडली रिचार्डसन से, और दूसरी शादी हुई पाउलिन प्रेफियर से, और तीसरी जो शादी हुई मार्था एलिस गेल हॉर्न से, और चौथी शादी मैरी वेल्स मॉन्ग से। यानी कि दोस्तों इन्होंने 4 मैरिजेस करी, और इन चारों मैरिजेस में उनकी लाइफ जो रही लास्ट में मैरी वेल्स के साथ ही वो लास्ट में रह गए दोस्तों, क्योंकि अभी चार ऑलरेडी ये तीन जो है डाइवोर्स्ड हो चुकी थी इनसे, और इन्होंने डाइवोर्स ले लिया था दोस्तों। आगे अगर हम बात करें उनकी जो फैमिली लाइफ थी दोस्तों, फैमिली लाइफ एक बेहतरीन थी और उन सारी चीज़ों को ये महसूस करते थे। थोड़ा सा ड्रंकार्ड टाइप थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान व्यक्ति थे। और अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने खुद कहा है कि जो अमेरिकन लिटरेचर है ना दोस्तों, तो वो एक्चुअली में जो मार्क ट्विन का हकलबरी फिन है, ये सारे हकलबरी फिन इनका जो एकमात्र लिटरेरी वर्क जो है मार्क ट्विन का बहुत मतलब इम्पॉर्टेंस रखता है उस साहित्य में। उस साहित्य को अगर पूरा मिला दिया जाए अमेरिकन साहित्य को, तो उनकी एक बुक के बराबर है दोस्तों। और इनकी जो एंडिंग रही दोस्तों, तो एंडिंग के टाइम में दोस्तों ये चले गए थे केच हम लडाहो चले गए और वहाँ पर रहने लगे दोस्तों। और वहाँ पर इनका जो हैवी एल्कोहल के कारण, मैंने बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा हैवी एल्कोहल लेते थे, उसकी वजह से दोस्तों, हैवी एल्कोहल लेने के दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं। हम कई बार ये सोच लेते हैं बिना जाने कि कोई व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है। एक्चुअली में ये आर्मी में थे और यहाँ पर इन्होंने जो कंडीशंस देखी, फिर ये बहुत घायल हो गए, फिर जो है मिलिट्री हॉस्पिटल में भी रहे, रेड क्रॉस हॉस्पिटल में। वहाँ पर दोस्तों इनको प्यार भी हो गया था, क्यूरोसी करके एक लड़की थी उनसे इन्हें प्यार हो गया। बाद में एक्चुअली में दोस्तों वो जो लड़की थी वो दूसरे के साथ इंगेज हो गई, तो इनका दिल भी टूट गया। कई सारी वजह थी दोस्तों जिसके पीछे ये ड्रिंकिंग करते थे। इनको फिर बाद में ऐसी ज़्यादा कंडीशन, मेंटल कंडीशन इतनी इनकी ख़राब हो गई कि इनको मायो क्लिनिक में जो है मेंटल हेल्थ में वहाँ पर शॉक लगाए जाते थे दोस्तों, बिजली के झटके दिए जाते थे। ऐसी दोस्तों इन्होंने ज़िंदगी जी, और बाद में दोस्तों इन्होंने जब अपनी ज़िंदगी से ये हार मान गए, और उस हार में दोस्तों ये इन्होंने अपने आप को खुद को शूट कर लिया, गोली से मार लिया दोस्तों। एक्चुअली में जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए तो वजह ये थी इनके पास कि ये लिख भी नहीं सकते थे, ये अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते थे, किसी से बात नहीं कर सकते थे। एक्चुअली में ऐसी कंडीशन हो गई दोस्तों कि उन्होंने सोचा कि इस ज़िंदगी से अच्छा मौत को गले लगा लेना होगा। तो दोस्तों ये 1899 से 1961 का सफ़र ज़िंदगी की कई पहलुओं को देखते हुए अर्नेस्ट हेमिंग्वे का बीता दोस्तों। इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारे दुख दर्द और इन सारी कहानियों के बावजूद वो लिखते रहे, और काफ़ी दोस्तों उन्होंने लिखा, और उन्होंने समाज, सोसाइटी, आर्मी लाइफ, इन सारी चीज़ों को दोस्तों उन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की। जो इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उन पर एक हम फोकस डालेंगे। ज़िंदगी तो दोस्तों एक राइटर अगर होता है या एक पोएट होता है, तो वो हमारी ही तरह और आपकी तरह एक इंसान होता है। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि राइटर और ये जो पोएट्स हैं ये हमसे थोड़ा अलग हैं, इतर हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये हमारे समाज और हमारे ही जैसा एक पार्ट होते हैं। सुख दुख प्यार और घृणा का ये सारा कुछ अनुभव करते हैं दोस्तों, समाज के हर एक छोटे बड़े पहलू को देखने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में ये हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं दुनिया का एक बेहतरीन चित्रण दोस्तों। जैसे कहा भी जाता है दोस्तों कि जहाँ रवि भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर कभी पहुँच सकता है। तो इन सारी चीज़ों को डिपिक्ट करने की जो आँखें होती हैं दोस्तों, वो इन कलाकारों के पास होती हैं। वो कलाकार एक पेंटर हो, वो कलाकार एक राइटर हो, वो कलाकार एक ऑथर हो दोस्तों। इन सारे दुख दर्दों के बावजूद जो मैंने पढ़ा, मैंने जाना अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में दोस्तों, कि उनकी लाइफ कैसी रही एक्चुअली में। 4 वाइफ्स, 3 से डाइवोर्स्ड, जिसको प्यार किया उसने उसकी इंगेजमेंट दूसरे से हो गई। आर्मी लाइफ में दोस्तों, आर्मी से रिजेक्शन के बाद भी इनका एक पैशन था, इटालियन आर्मी में दोस्तों शामिल हुए, वहाँ पर कार्य किया, घायल हो गए। दोस्तों मेडल दे देने से क्या होता है, क्या किसी का दुख दर्द कम हो सकता है? ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसका दुख और दर्द कम हो सकता है। दोस्तों जो इनके वर्क्स रहे इन पर फोकस कर लेते हैं हम बिना टाइम को वेस्ट कर किए हुए। एक्चुअली में जो इनके वर्क्स रहे, जैसे द सन आल्सो राइजेस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो 1920 में इनका वर्क आया टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, दूसरा वर्क है द सन आल्सो राइजेस दोस्तों। मैंने इसको इसलिए गोला किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेयरवेल टू आर्म 1929 में आया दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन यहां पर आप शॉर्ट में ही इनको देखें।
फार हुम द बेल टॉल्स 1940 में आया। दोस्तों ये जो बेल टॉल्स, फार हुम द बेल टॉल्स, ये जो एक्चुअली में ये जो बात है जिनके लिए घंटियां बजती हैं, और वो चर्च की घंटियां कब, आदमी की मौत के बाद, ये सारी चीज़ों को दोस्तों इन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है ओल्ड मैन एंड द सी, जिसका सब टाइटल है द व्हील। ये वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से दोस्तों नवाजा गया। और अ मूवेबल फीस्ट, इस तरीके के बेहतरीन दोस्तों इनके वर्क रहे। कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने लिखा, जिनमें से शॉर्ट स्टोरीज में द स्नो ऑफ क्लीमंजारो की जो पहाड़ियां हैं उनके स्नो को इन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की। कैट इन द रैन, दोस्तों ये दो इनके बेहतरीन वर्क्स हैं। और बाकी जो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिए हुए हैं, ये कुछ मैन्यूर वर्क्स हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे बात किया कि उन्हें नोबेल प्राइज और पुलित्जर प्राइज से अब नवाजा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि उन्हें पुलित्जर प्राइज कब मिला, 1953, डोंट फॉरगेट, हमेशा आप याद रखेंगे इस चीज़ को कि 1953 में उनको ओल्ड मैन एंड द सी के लिए दोस्तों इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और अगले ही साल दोस्तों इनके वर्क्स के जो इनका कार्य था उसको सराहनीय कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। दोस्तों एक फैक्ट मैं और बताना चाहूँगा कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद नोबेल प्राइज अपना सम्मान लेने भी नहीं गए थे। एक्चुअली में 1954 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, और 1953 में इन्होंने दोस्तों पुलित्जर प्राइज प्राप्त किया था। और 1954 में दोस्तों इनकी उपलब्धियों में एक अवार्ड और शामिल हुआ, उस अवार्ड का नाम है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड लेटर्स अवार्ड ऑफ मेरिट। दोस्तों इस अवार्ड से इनके, यानी कि कुल मिलाकर के दोस्तों इन्हें 3 अवार्डों से नवाजा किया गया। दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो है मॉडर्निस्ट राइटर ऑफ द लॉस्ट जनरेशन। दोस्तों लॉस्ट जनरेशन का जो टर्म है ये काफ़ी ब्रॉड है दोस्तों, ये काफ़ी फेमस थे, और उस दौरान इतना ज़्यादा कि एक्चुअली में जो वर्ल्ड वार कंडीशंस थी, 2 वर्ल्ड वार्स को इन्होंने दोस्तों देखा, और उन वर्ल्ड वार कंडीशंस को इन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की। और लॉस्ट जनरेशन जो गर्ट्रूड स्टेन ने इनको कहा, क्योंकि वो जनरेशन दोस्तों जो खो चुकी थी, वो जनरेशन जिसमें एक दूसरे के प्रति डाउट आ गया था दोस्तों, और सर्टेनिटी नहीं थी कि लाइफ कब तक चलेगी और कब ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इन्होंने जो है वन टाइप कंसिस्टेड ऑफ मैन एंड वेमेन डिप्राइव्ड बाई वर्ल्ड वार फर्स्ट फेथ इन द मॉरल वैल्यूज, फेथ खत्म हो चुका था, सिनिकल डिग्रेड हो गया था दोस्तों, मतलब ये जो सारी चीज़ें थी, इमोशनल नीड्स खत्म हो गई थी दोस्तों, एक मारो और बुल फाइटर्स जो थे वो सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को जब ये डिपिक्ट करते हैं अपने वर्क्स में ना, ये क्या दिखाता है दोस्तों, एक बेहतरीन तरीके का क्राइम, एक बेहतरीन तरीके की क्रुएलिटी दोस्तों। और इसी क्राइम और क्रुएलिटी को डिपिक्ट करने में इनको लॉस्ट जनरेशन का राइटर, मॉडर्निस्ट राइटर आप लॉस्ट जनरेशन कह दिया गया दोस्तों। आगे हम देखते हैं इनके जो कुछ व्यू पॉइंट थे दोस्तों, इनका व्यू पॉइंट जब आप पढ़ते हैं तो आपकी रूह भी कांप उठती है। क्यों? क्योंकि इनका व्यू पॉइंट ही कुछ ऐसा है। इन्होंने कहा कि गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट, ईश्वर इस दुनिया में कहीं नहीं है, एंड द यूनिवर्स इज इनडिफरेंट, और ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये बहुत ही विचित्र है, द रिजल्टिंग वर्ल्ड इज हॉस्टाइल, और इसका रिजल्ट है कि दुनिया कहाँ जा रही है, किस क्षेत्र में जा रही है, कहाँ पहुँच रही है, हॉस्टाइल हो गई है और हम मडल्ड हो गए हैं, एंड विदाउट गॉड, और इस ईश्वर की अनुपस्थित में, इस बिना ईश्वर की इस दुनिया में फेथ, मोरल वैल्यूज, मीनिंगलेस हैं सब। जो हम विश्वास करते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो हमारा विश्वास किसी भी बात पर हो, इस जहाँ पर हम ये मानते हैं कि ईश्वर है और हम एक दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं दोस्तों, एक दूसरे की मोरल वैल्यूज से सम्मानित करते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं, इन सारी चीज़ों का जो एक हनन, ये जो ख़त्म होता, एक ट्रेडिशन है, ये मीनिंगलेस है दोस्तों। क्यों? अगर ऐसा होता तो ये दुनिया नहीं लड़ती एक दूसरे से, इस दुनिया में वार नहीं होते। हेमिंग्वे का कहना था कि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में कोई लड़ता नहीं, कोई युद्ध भूमि में नहीं जाता, और एक दूसरे को हम नहीं काटते, ब्लड से नहीं होती, लोग एक दूसरे को चीट नहीं करते, लोग एक दूसरे के प्रति हीन भावनाएं और ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखते। इसलिए इस दुनिया में कोई गॉड नहीं है, सिर्फ हम हैं, और हम इन सारी सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये तो दोस्तों हमारे पॉइंट्स रहे अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में। अगर मैं बात करूं को आगे कुछ उन पर बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में,
तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं उन पर बनने वाले क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि उन्होंने एक जिंदगी जी और इस जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ जिया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी देता जीता है, लेकिन हम सब में ऐसी कला नहीं होती कि हम अपने जीवन को अभिव्यक्त कर पाएँ। लेकिन अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने आर्मी लाइफ के साथ एक पर्सनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के साथ समाज के जीवन को अपने कार्यों में डिपिक्ट करने की कोशिश की है और इनके इसी कार्य के लिए इन्हें हमेशा सराहा जाएगा। दोस्तों आते हैं हम आज के एग्जाम पॉइंट्स पर। दोस्तों एग्जाम पॉइंट्स में आपकी मैं वही चीज़ें शामिल करता हूं जो चीज़ें उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और दोस्तों ये रिपीटिशन भी होती हैं एक्चुअली में, और इस रिपीटिशन से आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि ये रिपीटिशन जो भी है वो रिपीटिशन उनके वर्क्स की है और उनके जो पॉइंट्स हैं उनकी है। दोस्तों 1899 में पैदा हुए थे ये। ही वॉज बोर्न 21 जुलाई 1899 ओर्क पार्क इलिनॉइस USA में दोस्तों वो पैदा हुए थे, और उनकी मदर जो थी वो हाल ग्रेस हाल हेमिंग्वे एक म्यूजिशियन थी, और उनके जो दोस्तों फादर थे क्लेरेंस एडमंड्स हेमिंग्वे वो एक डॉक्टर थे। यानी कि एक डॉक्टर और एक म्यूजिशियन की संतान थे अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे दोस्तों, जिनका जन्म 1899 ओर्क पार्क इलिनॉइस में हुआ था। ही गॉट एजुकेशन इन ओर्क पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल अंडर पिन नेम रिंग लैंडरर। दोस्तों यहाँ पर आप नोट करें कि उन्होंने जो अपनी एजुकेशन पाई थी तो उन्होंने एजुकेशन गॉट की अपनी ओर्क पार्क रिवर फॉरेस्ट में, और इन्होंने जो कार्य किया इन्होंने अपनी एजुकेशन पाई तो ओक पार्क रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल में दोस्तों इन्होंने पाई, और यहां से इन्होंने ग्रेजुएशन तक किया। और ये जो एजुकेशन दोस्तों इन्होंने पाई इन पेन नेम रिंग लैंडरर नाम से, दोस्तों इस पेन नेम रिंग लैंडरर को आप दोस्तों याद रखेंगे, रिंग लैंडरर जूनियर के रूप में दोस्तों इन्होंने अपनी एजुकेशन पाई। जिस दौरान दोस्तों इन्होंने अपनी एजुकेशन ग्रहण की उस दौरान इन्होंने अपना कुछ योगदान दिया, और वो योगदान एक स्कूल न्यूज़पेपर और ईयरबुक के लिए था, ट्रैपेजी एंड टैबुला के लिए दोस्तों इन्होंने स्कूल न्यूज़पेपर और ईयरबुक के लिए दोस्तों इन्होंने कुछ अपना योगदान दिया। अगर हम बात करें कि आफ्टर ग्रेजुएशन दोस्तों तो इन्होंने एक जॉब ली रिपोर्टर के रूप में दोस्तों, इन्होंने कंसास सिटी स्टार न्यूज़पेपर में कार्य किया। जब इनका ग्रेजुएशन हो गया दोस्तों, जो मैंने अभी बताया कि इनका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ था, हाई स्कूल से, ओक पार्क रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल से दोस्तों हुआ इनका ग्रेजुएशन, और इसके बाद इन्होंने कंसास सिटी स्टार में वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों एक जॉब ले ली। ये एक रेपुटेटेड न्यूज़पेपर था, और उसके बाद दोस्तों उन्होंने बिकमिंग अ US आर्मी सोल्जर ही लेफ्ट द जॉब, और अपना जो है एक US आर्मी को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया और उस जॉब से वो चले गए। आर्मी में वो रिजेक्ट कर दिए थे आई साइट की वजह से दोस्तों, उनकी आई साइट जो थी काफ़ी पुअर थी दोस्तों। जैसे कि आपके विलियम फॉकनर के बारे में जिनके बारे में मैंने बात की थी, वो भी आर्मी का पार्ट थे और उनकी हाइट कम थी और इन पे प्रॉब्लम थी दोस्तों आई साइट की। अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है वर्कड एज ए ड्राइवर विद रेड क्रॉस एम्बुलेंस। मैंने बताया दोस्तों कि जब इन्हें अपनी आई साइट की वजह से रिजेक्ट किया गया, लेकिन राष्ट्र प्रेम और देश की सेवा करने के लिए इनको इससे अच्छा अवसर नहीं था, ये चाहते थे कि मैं देश की सेवा करूं, तो ये शामिल हो गए दोस्तों। एक ड्राइवर के रूप में इन्होंने कार्य करना शुरू किया, और रेड क्रॉस एम्बुलेंस जो कॉर्प्स थी उस कॉर्प्स में दोस्तों इन्होंने अपने आप को शामिल कर लिया। रेड क्रॉस एम्बुलेंस कॉर्प्स में इन्होंने अपने आप को ड्राइवर के रूप में शामिल किया और वहां कार्य करते रहे। दोस्तों इन्हें पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया, और ये पुलित्जर प्राइज उनकी फिक्शन के लिए था। ये दोस्तों जो अगले पॉइंट थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं एक बार बैक, रेड क्रॉस एम्बुलेंस में जब दोस्तों ये कार्य करते रहे तो वहाँ पर ये 1918 में दोस्तों ये घायल हो गए, और वहाँ से घायल होने के बाद जैसा कि मैंने अभी इनकी लाइफ इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जा कर के शामिल हो गए, वहाँ से घायल होकर के ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, और वहीं से फिर ये अमेरिका लौटे, और इनका जो लव था क्यूरोस्की के साथ वो टूट गया दोस्तों। इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था 1953 में, 1953 के जो है सॉरी दोस्तों 1953 के जो है इन्हें
पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। और नोबेल प्राइज जो मैंने अभी बात की, तो 1954 में दोस्तों इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। दोस्तों कभी कभार मुझसे गलतियां हो जाती हैं, एक्चुअली जब मैं फ्लो में बोलता रहता हूं तो मैं उन सारे पॉइंट्स को कभी कभार भूल जाता हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। आपको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ एक बार कि नोबेल प्राइज़ जो था उनको मिला था 1954 में, और जो पुलित्जर प्राइज़ दोस्तों मिला था वो था 1953 में। और ये जो पुलित्जर प्राइज़ इनको दिया गया था, इनको दिया गया था ओल्ड मैन एंड दी सी के लिए, और नोबेल प्राइज़ इनको साहित्य के में योगदान के लिए प्रदान किया गया था दोस्तों। अगला पॉइंट जो है वो है, हेमिंग्वे इज़ नोन एज नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। मैंने बताया कि कंसास सिटी जो न्यूज़पेपर था उसमें इन्होंने कार्य किया, तो ये जर्नलिस्ट हो गए दोस्तों। और नॉवलिस्ट के रूप में तो आप जानते हैं कि इन्होंने बेहतरीन नॉवेल्स की रचना की दोस्तों। ही गॉट इटालियन सिल्वर मेडल ऑफ ब्रेवरी 1918 में। मैंने बताया कि जब वो घायल हो गए, घायल होने के बाद दोस्तों इन्हें इटालियन सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया, और उनको प्यार हो गया था। मैंने बताया था भी आपको कि वो 1918 में, बार बार मेरे मुँह से 18 आ जाता है, 1918 में दोस्तों, 1918 में आफ्टर वर्ल्ड वार जब वो घायल होकर के हॉस्पिटलाइज्ड हो गए रेड क्रॉस हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर दोस्तों एक नर्स थी जिसका नाम था एग्नेस वोन क्यूरोस्की। एग्नेस वोन क्यूरोस्की जो मिलान हॉस्पिटल में थी वो कार्य करती थी दोस्तों। और 1918 में मैंने अभी बताया ना कि रेड क्रॉस जो हॉस्पिटल था, तो दोस्तों ये मिलान हॉस्पिटल उसका नाम था, रेड क्रॉस कॉर्प का ये एक टुकड़ी का जो मतलब नाम था जिसमें ये कार्य करते थे, उसी का ये पार्ट था दोस्तों, मिलान हॉस्पिटल उसका नाम था। और ये 1918 में वहाँ भर्ती हुए, और भर्ती रहने के बाद क्योंकि घायल अवस्था में वहाँ भर्ती हुए थे, और इन्हें वहाँ पर प्यार हो गया एग्नेस वोन क्यूरोस्की के साथ। अगला पॉइंट जो है दोस्तों, एग्नेस गॉट मैरिड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनकी शादी हो गई थी एक इटालियन ऑफिसर के साथ, उसने शादी कर ली थी एक इटालियन ऑफिसर के साथ 1920 में, और उसने लेटर लिख करके इनको इन्फॉर्म किया, और इनका 1920 में जब ये यूएसए में थे, इनका दिल टूट गया दोस्तों कि इनका जो प्यार है इन्हें मिल नहीं सका। और इन्होंने एक रिपोर्टर के रूप में दोस्तों कार्य किया था टोरंटो स्टार न्यूज़ में, इन्होंने एक रिपोर्टर के रूप में कार्य किया। और 1921 में दोस्तों इन्होंने शादी की एलिजाबेथ हैडली के साथ दोस्तों, इन्होंने 1921 में इन्होंने पहली बार शादी की। जो इनके इनका फर्स्ट वर्क है वो है 3 Stories and 10 Poems। जो इनका फर्स्ट वर्क पब्लिश हुआ था दोस्तों उसका नाम था 3 Stories and 10 Poems दोस्तों। और अगला वर्क जिसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं, इन आवर टाइम 1925 में दोस्तों आया था। इन आवर टाइम जो 1925 में आया दोस्तों, इसमें इन्होंने कलेक्ट किया था वार स्टोरीज की, उस युद्ध भूमि की कहानियों की। और ये निक नेम एडम्स जो है दोस्तों, ये इनका खुद का डिपिक्शन है, क्योंकि ये खुद एक ड्राइवर के रूप में कार्य करते थे। और इन आवर टाइम जो आया था उसमें भी निक एडम नाम का व्यक्ति है जो वो ड्राइवर के रूप में कार्य करता है, और ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। कैसा दोस्तों वर्क है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। अगला जो इनका वर्क आया बहुत महत्वपूर्ण, द सन आल्सो राइजेज दोस्तों। जो सन आल्सो राइजेज इनका वर्क आया था वो आया था 1926 में, 1926 में इनका जो वर्क पब्लिश हुआ द सन आल्सो राइजेज। और इसका जो सब टाइटल है जिसे हम कहते हैं फीस्टा, एक्चुअली में फीस्टा क्यों कहते हैं चलिए हम जान लेते हैं दोस्तों। जो अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट थे दोस्तों, तो अमेरिकन और ब्रिटिश पैट्रिएट जो थे वो जा रहे थे पेरिस से पैम्पलोना जगह पर एक दोस्तों जा रहे थे, और वो क्यों जा रहे थे वहाँ पर, रनिंग और बुल फाइटिंग को देखने के लिए, बुल्स की रनिंग और बुल फाइटिंग्स को देखने के लिए वो लोग वहाँ पर जा रहे थे दोस्तों। और ये इसमें जो डिपिक्शन है दोस्तों वो पोस्ट वार कंडीशन का डिपिक्शन है। ये अमेरिकन और ब्रिटिश जो एक्सपैट्रिएट थे वो पेरिस से जा रहे थे पैम्पलोना, और क्या देखने के लिए, ये बुल फाइटिंग को देखने के लिए और बुल रेस को देखने के लिए जा रहे थे दोस्तों। और इसमें दोस्तों उन्होंने जो बात की है ना, तो मोरलिटी का जो डिसऑर्डर है, मोरल डिसऑर्डर के साथ ये डील होती है, क्योंकि बुल फाइटिंग करना और ये सारे जो एक आपराधिक टाइप के कार्य हैं, इन सारी चीज़ों के साथ दोस्तों डील होता है। इसका जो दोस्तों एक करेक्टर है, इसमें कुछ लव स्टोरी लव का भी ब्लेंड मिलता है आपको। जैक बार्नेस एक बुल फाइटर है दोस्तों, सबसे हेल्दी व्यक्ति है जैक बार्नेस। और ये पूछा भी जाता है दोस्तों कि जैक बार्नेस किस नॉवेल में है, तो जैक बार्नेस दोस्तों आपके
द सन आल्सो राइजेस 1926 इस आपके वर्क में आता है जैक बार्नेस। और दोस्तों जो जैक बार्नेस रहता है इसको प्यार हो जाता है जैक बार्नेस को लेडी ब्रेट से, लेडी ब्रेट एसले से। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि लेडी ब्रेट एसले किस वर्क में है दोस्तों, तो लेडी ब्रेट एसले जो है आपकी द सन आल्सो राइजेज में है जो 1926 में आया था। और लेडी ब्रेट या ये कहें कि जैक बार्नेस को प्यार हो जाता है, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके जो अदर कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लें थोड़ा सा, तो ब्रेट एसले तो आप जान ही चुके हैं, मिल्क कैंपबेल और रॉबर्ट कोहन, ये ऐसे दो तीन कैरेक्टर्स और हैं जो मैन्यूर कैरेक्टर हैं। और इसका जो सब टाइटल है वो है फीस्टा दोस्तों। अगले हम वर्क को देखते हैं जो इनका और काफ़ी महत्वपूर्ण वर्क है। इसमें दोस्तों एक और बात कर लें कि इसमें इपीग्राफ देखने को आपको मिलता है। इपीग्राफ जो है वो एक लेसियास्ट जो है यहाँ से एक इपीग्राफ लिया गया है, और दूसरा यू आर ऑल ऑफ अ लॉस्ट जनरेशन, जो गर्ट्रूड स्टेन का जो ये टर्म है लॉस्ट जनरेशन, एक दूसरा जो है इपीग्राफ इस जो आपका वर्क है जो ऊपर मैंने आपको ये दिखाया द सन आल्सो राइजेज में दोस्तों, ये दो इपीग्राफ यहाँ से लिए गए हैं दोस्तों। ये इन दो इपीग्राफ्स में आपको एकेसलेस्टियास्ट का एक जिक्र है और दूसरा है लॉस्ट जनरेशन का। अगले पॉइंट पर हम आते हैं दोस्तों, ए फेयरवेल टू आर्म जो इनका वर्क है दोस्तों, ये 1929 में पब्लिश हुआ। और इसमें इन्होंने एक्चुअली में वार कंडीशन की, सिनिकल सोल्जर्स की और फाइटिंग की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, इन सारी चीज़ों को ए फेयरवेल टू आर्म्स में इन्होंने दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। और इसमें जो दोस्तों इन्होंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है, सबसे बड़ी बात, एक हेमिंग्वे ने खुद के एक्सपीरियंस को, एक वार नॉवेल है ये फेयरवेल टू आर्म, जैसे कि इसके एक्चुअली में नाम से आपको लगता है ए फेयरवेल मन यानी अलविदा, आर्म्स को अलविदा। दोस्तों जब ये 1918 में दोस्तों जब ये घायल हो गए और वहाँ पर मिलान हॉस्पिटल में ये भर्ती रहे दोस्तों, तो वहाँ के बाद ये जब वापस आ गए तब इन्होंने ये 1929 में पब्लिश किया। तो एक्चुअली में पोस्ट वार के बाद ये जो इनके खुद के अनुभव रहे उनको डिपिक्ट करने की कोशिश की, और कुछ कहानी भी जो इनकी लव स्टोरी है उससे कुछ मिलती जुलती है, लेकिन नेम ये लोग चेंज कर देते हैं क्योंकि ज़्यादातर राइटर्स, नॉवलिस्ट या पोइट्स होते हैं वो खुद के एक्सपीरियंस को या कहीं पढ़ी हुई बात को या कहीं समझी हुई बात को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं वैसा ही इनके साथ भी रहा। अ फेयरवेल टू आर्म जो 1929 में आया दोस्तों, ये एक्चुअली में ये जो टाइटल है ना, ये जॉर्ज पीले के वर्क से लिया गया, ये टाइटल वहीं से डराइव किया गया है दोस्तों। और इसमें दोस्तों इन्होंने, हेमिंग्वे ने खुद के एक्सपीरियंसेस को अभिव्यक्त किया है अ फेयरवेल टू आर्म में। और ये जो दोस्तों सीरियलाइज्ड हुआ था ए फेयरवेल टू आर्म, तो स्क्रिबनर मैगजीन थी, स्क्रिबनर मैगजीन में ही ये सीरियलाइज्ड करके आया था दोस्तों। अ फेयरवेल टू आर्म कितने पार्ट में है, ये दोस्तों 5 बुक्स में है, डिवाइडेड है दोस्तों। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, नेट में पूछा गया था, UGC नेट में, कि ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों। तो अ फेयरवेल टू आर्म 1929 में जो पब्लिश हुआ था ये 5 भागों में बटा हुआ है। और यहाँ पर फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कली दोस्तों, ये दो कैरेक्टर हैं, फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कली। जो फ्रेडरिक हेनरी हैं ये एक लेफ्टिनेंट हैं आर्मी में दोस्तों, और कैथरीन बार्कली जो हैं वो एक नर्स हैं। और इन दोनों के बीच की लव अफेयर को दोस्तों इसमें डील किया गया है, जैसा कि मैंने बताया ना कि क्यूरोस्की जो थी उनके साथ इनका लव अफेयर था अर्नेस्ट हेमिंग्वे का मिलान हॉस्पिटल में, लेकिन वो उससे अनफॉर्चुनेटली ये उससे शादी नहीं कर पाए, उनकी शादी किसी और के साथ हो गई, किसी इटालियन ऑफिसर के साथ। तो उसी टाइप के बैकग्राउंड को लेकर के अ फेयरवेल टू आर्म दोस्तों डील होता है। अगले पॉइंट्स पर हम आते हैं दोस्तों, इनका एक और बेहतरीन वर्क है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है, फॉर हुम द बेल टोल्स। ये जो वर्क है दोस्तों फॉर हुम द बेल टोल्स 1940 में आया था और 1940 में पब्लिश हुई है। इस वर्क के जो टाइटल है, टाइटल के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। फॉर हुम द बेल टोल्स, जो चर्च की घंटी होती है ना दोस्तों, तो कब बजती है? चर्च की घंटी क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग तब या तो प्रेयर के टाइम पे बजती है, या दोस्तों जब किसी की डेथ हो जाती है उस वक्त ये चर्च की घंटी बजती है। तो कुछ ऐसा ही है, उन आर्मी मैंस जो थे, उन सोल्जर्स थे, तो वो सोल्जर्स दोस्तों बहुत सारे की डेथ होती रहती है और ये बेल ऐसे ही बजती रहती है। तो कुछ ऐसी स्टोरी के साथ दोस्तों डील होती है फॉर हुम द बेल टोल्स। एक्चुअली में
दोस्तों इसमें रॉबर्ट जॉर्डन नाम के एक व्यक्ति हैं, और रॉबर्ट जॉर्डन जो है सेवा करने के लिए जाते हैं। ये एक अमेरिकन सोल्जर हैं, सिविल वार के दौरान ये दोस्तों जाते हैं वहाँ पर सेवा करने के लिए, और एक ये गुरिल्ला यूनिट का पार्ट बन करके जाते हैं। जब ये गुरिल्ला यूनिट का पार्ट बन करके जाते हैं तो इटली की कंडीशंस को वहाँ पर ये दोस्तों देखते हैं। वहाँ कंडीशन में क्या होता है, एक इंसिडेंट इनके सामने आता है कि एक मैरी नाम की एक जो है गर्ल होती है, उसका रेप कर दिया जाता है फासिस्ट के द्वारा। जो फासिस्ट थे तो उन्होंने रेप कर दिया, लेकिन जब रॉबर्ट जॉर्डन ने उसको देखा तो उससे रॉबर्ट जॉर्डन को जो है मैरी से दोस्तों प्यार हो जाता है। बस इतनी सी कहानी में एक छोटे से बैकग्राउंड के साथ इसको बताना चाहूँगा। रॉबर्ट जॉर्डन गुरिल्ला यूनिट के दोस्तों सोल्जर बन करके जाते हैं सिविल वार के दौरान, और इस सिविल वार में दोस्तों जब वो देखते हैं कि मैरी नाम की एक गर्ल है वो फासिस्ट के द्वारा रेप कर दी जाती है, और रॉबर्ट जॉर्डन जब उससे मिलते हैं इन्हें उनसे प्यार हो जाता है। बस इसी कहानी के साथ डील होती है फॉर दी होम बेल टॉल्स। दोस्तों ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर आप ज़रूर देखें। एक्चुअली में जी एक लॉन्गेस्ट नॉवेल है उनके द्वारा लिखा गया, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया ये एक लॉन्गेस्ट नॉवेल है। और ये जो टाइटल है दोस्तों ये डिराइव्ड किया गया है नो मैन इज एन आइलैंड से जो है जॉन डन के, एक मेटाफिजिकल जॉन डन जो पोएट है उनके नो मैन इज एन आइलैंड से ये जो है दोस्तों डिराइव्ड किया गया है। और ये जो लाइन है नेवर सेंट टू नो फॉर हुम द बेल टॉल्स इट टॉल्स फॉर दी, ये जो दोस्तों फॉर हुम दी बेल टॉल्स ये सोल्जर्स को डिपिक्ट करती है, सोल्जर्स की डेथ पर जो है दोस्तों उन पर बजने वाली चर्च की घंटी को डिपिक्ट करती है। दोस्तों अगले कुछ और पॉइंट्स पर हम आते हैं। इट वॉज रिटन इन 1951 और पब्लिश्ड इन 1952। जो ये मैंने आपको दोस्तों ये वर्क बताया आपको अभी ऊपर, ये देखें फॉर हुम दी बेल टॉल्स जो 1940 में आया था दोस्तों, तो ये एक्चुअली में जो दोस्तों मैंने बताया कि ये यहाँ से जॉन डन के वर्क से इसका टाइटल डिराइव किया गया था। दोस्तों जो हम अगले अपने वर्क पे आते हैं वो है द ओल्ड मैन एंड दी सी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों इनका, और ओल्ड मैन एंड दी सी 1952 में पब्लिश्ड हुआ था। ये जो दोस्तों ऊपर पॉइंट्स दिए हुए हैं ये ओल्ड मैन एंड दी सी के बारे में ही ये पूरे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि 1951 में लिखा गया लेकिन पब्लिश्ड हुआ 1952 में, इसका नाम है ओल्ड मैन एंड दी सी, और इसका जो सब टाइटल है द व्हेल करके है दोस्तों, ओल्ड मैन एंड दी सी का टाइटल। दोस्तों ये है एक स्टोरी है दोस्तों मैन स्ट्रगल विद नेचर, इसमें जो स्टोरी लाइन है वो है मैन स्ट्रगल विद नेचर, और एक मैंस हीरोइक करेज के बारे में, एक मैन के साहस के बारे में, एक किसी व्यक्ति के साहस के साथ ये डील करता है आपका नॉवेल। ओल्ड मैन एक व्यक्ति हैं जो क्यूबियन है दोस्तों, क्यूबा के जो है दोस्तों एक मछुआरा है जिसका नाम सैंटियागो है। दोस्तों ये एक सैंटियागो नाम का जो मछुआरा है ये क्यूबा का है, और इनमें बहुत ही ज़्यादा दोस्तों साहस है, स्ट्रगल करने की क्षमता है। फिर से जाने दोस्तों, फिर से देखें, सैंटियागो जो दोस्तों है एक मछुआरा है, ये कहाँ का है, क्यूबा का है। मैंने इस बार दो बार ये क्यों बताया दोस्तों, क्योंकि ये जो एक्चुअली में जो ये सैंटियागो नाम का जो ये मछुआरा है ये क्यूबा का है, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये पूछा जा चुका पॉइंट है कि वो सैंटियागो कहाँ से बिलोंग करता है, वो दोस्तों क्यूबा का एक मछुआरा है, क्यूबियन मछुआरा है। और ये दोस्तों 84 दिन तक स्ट्रगल करता है एक गल्फ स्ट्रीम में मार्लिन को पकड़ने के लिए, और ये जो मार्लिन है दोस्तों इस मार्लिन को कि एक बड़ी सी व्हेल है दोस्तों, ये बड़ी सी एक मछली है मार्लिन, इसको पकड़ने के लिए दोस्तों ये संघर्ष करता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ना कि ये एक स्टोरी है मैन्स स्ट्रगल विद नेचर, व्यक्ति के स्ट्रगल की कहानी है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ दोस्तों, ये कहानी ऐसी है। और जब ये सैंटियागो जो है स्ट्रगल करता है 84 डेज और मार्लिन को पकड़ने के लिए गल्फ स्ट्रीम में, ये क्यूबा का है, और ये जो नॉवेल है दोस्तों 1952 में पब्लिश हुआ था, तो वहाँ पर दोस्तों इनकी हीरोइक डीड कब काम आती है, ये 88th डे दोस्तों दो बात दी हुई है लेकिन 88th डे मैंने जो जाना वो कि 88वें दिन जो है 88th डे वो सक्सेस हो पाता है उसको पकड़ने में, उसको हार्पून से स्टैप करने में सक्सेस होता है सैंटियागो इस मछली को। दोस्तों जो मार्लिन मछली है दोस्तों वो बहुत बड़ी है, मैंने बताया कि मार्लिन मछली ना, मैं बता भी चुका हूँ कि वो व्हेल है, वो 18 फीट लगभग 5.5 मीटर लंबी है दोस्तों।
और इसी वर्क के लिए दोस्तों इनको जो है नोबेल प्राइज जो दिया गया था 1954 में, और पुलित्जर प्राइज 1953 में, दी ओल्ड मैन एंड दी सी। ओल्ड मैन एंड दी सी एक कहानी है दोस्तों सेंटियागो नाम के मछुआरे की, जो क्यूबा का है दोस्तों। और इसका जो एक टाइटल और है दी वेल करके टाइटल है इसका। और ये जो कहानी है ये डील होती है दोस्तों मैन्स स्ट्रगल विद नेचर, ये पॉइंट पूछा जा चुका है, एंड हीरोइक करेज के साथ दोस्तों ये डील होती है। जो व्हेल का नाम है वो है मार्लिन दोस्तों नाम है, और मछुआरे का सेंटियागो, तीन चार बार मैंने बता दिया, क्यूबा से बिलोंग करता है, और फिर जो है स्टैब कर देता है उसको हार्पून के थ्रू, और 28वें दिन दोस्तों उसको पकड़ पाता है। और ये जो मार्लिन है दोस्तों तो 18 फीट जो है लंबी है दोस्तों। जो 88th डे मैंने आपको बताया तो इसको आप और एक बार कंफर्म कर ले विकिपीडिया से, 88th है या 87th है दोस्तों। और इनको जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है 1954 में, और इसी वर्क के लिए 1953 में जो है पुलित्जर प्राइज से दोस्तों इनको नवाजा जाता है दोस्तों। इन्होंने अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे ने एक सी ट्रिलॉजी लिखी, और ये सी ट्रिलॉजी तीन वर्क्स का जो है डिवीजन है, उसी का पार्ट है ये आपका द ओल्ड मैन एंड द सी। द सी ट्रिलॉजी में जो पहला इनका द सी वेन यंग, ये पहला जो पार्ट है द सी वेन यंग, ये बीमिनी में सेट होता है, बीमिनी प्लेस है वहाँ पर सेट होता है, वहाँ पर वहाँ की सेटिंग के साथ ये डील होता है दोस्तों। दूसरा जो वर्क है इनका वो है द सी वेन अब्सेंट, द सी वेन अब्सेंट, ये दोस्तों हवाना में सेट होता है। और जो लास्ट पार्ट है द सी इज बीइंग, इसी को हम बोलते हैं द ओल्ड मैन एंड द सी, ये लास्ट पार्ट है, ये सी ट्रिलॉजी का दोस्तों पार्ट है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो बुलेट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। जो अफेयर वेल टू आर्म्स जो है इसमें रोमियो और जूलियट को के रूप में दोस्तों, इन्होंने हेमिंग्वे ने कहा ना कि इसमें जो डिपिक्शन है अफेयर वेल टू आर्म्स में जो लव डिपिक्शन है वो रोमियो और जूलियट की तरह है दोस्तों। अगला पॉइंट है द सन आल्सो राइजेज इज नोन एज अ डायमंड ट्रेजडी ऑफ द स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड दोस्तों, स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड, ये एक डायमंड ट्रेजडी के रूप में, सन आल्सो राइजेज जो है दोस्तों अ डायमंड ट्रेजडी ऑफ द स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड के नाम से भी दोस्तों जानी जाती है। इसको इस रूप में भी देखा जाता है सन आल्सो राइजेज को, अ डायमंड ट्रेजडी ऑफ द स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड दोस्तों। अगला पॉइंट जो है सन आल्सो राइजेज इज कॉल्ड बाइबिल ऑफ लॉस्ट जनरेशन, सन आल्सो राइजेज जो है दोस्तों ये बाइबिल भी कहा जाता है लॉस्ट जनरेशन का। लॉस्ट जनरेशन जो टर्म है दोस्तों ये गर्ट्रूड स्टेन का है। कोड हीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएटेड है हेमिंग्वे के साथ, अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे के साथ दोस्तों कोड हीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है। मैन एट वार 1942 में दोस्तों ये पब्लिश हुआ कलेक्शन है, ये वॉर स्टोरीज का कलेक्शन है दोस्तों मैन एंड एट वार। अगला पॉइंट है दोस्तों द गार्डन ऑफ ईडन, इनका एक अनफिनिश्ड वर्क है दोस्तों, द गार्डन ऑफ ईडन अनफिनिश्ड वर्क है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे के द्वारा दोस्तों। तो इस लेक्चर के लिए जो मैंने आपको कलेक्शन दिया इतना ही, मैं अगले और जो मैं चार्ल्स लैम्पर में सोच रहा हूं दोस्तों कि मैं बना दूं, क्योंकि लोगों की क्वेरी है कि चार्ल्स लैम्पर भी बना दे, तो मैं अपलोड कर दूंगा चार्ल्स लैम्प के बारे में भी दोस्तों। और इनके लिए इतना ही दोस्तों, जो इनके वर्क से ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे अफेयर वेल टू आर्म और ओल्ड मैन एंड दी सी, इन्हीं से ज़्यादातर दोस्तों वर्क से, दो तीन वर्क जो हैं इनके, इन्हीं वर्क से दोस्तों आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों नमस्कार मेरे साथ बने रहने के लिए, और एक बार फिर से गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं।